नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि अल्ट्रा फिटिंग कैसे करते रहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो क्या करो दोस्तों, नीचे से पहले आप लोग 38 इंची का निशान लगा ले इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसे गुनिया में लगाना है, ठीक है। इस पर गुनिया लगा ले बढ़िया से, निशान लगा लेना है। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के आज अल्ट्रा फिटिंग कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो बना के लाया हूँ, ए टू जेड कैसे इसको फिटिंग करते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये बालकनी का पाला है दोस्तों, जो बालकनी होता है घर में, तो ये उस साइड का पाला है, गेट है। तो इसको कैसे फिटिंग करते हैं तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस पर एल ड्रॉप रख लेते हैं पहले। एल ड्रॉप रखने के बाद दोस्तों इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। कितना निकालना है इस साइड अंदर की तरफ और कितना इस साइड करना है, ठीक है। तो उसकी उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अंदर चौखट पर थोड़ा सा जाने देना है, ठीक है। और पीछे साइड से भी, इस साइड से भी फेस करके उसके बाद इसको निशान लगा देना है, ठीक है। ऊपर ऊपर के निशान से कर देना है गुनिया जो लगाए थे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद जो चारों सुराख दिख रहा है, ये चारों सुराख को आप लोगों को ड्रिल मशीन से सुराख कर देना है, ठीक है, जो कि नट बोल्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस चारों को सुराख कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, तो और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बना के लाता रहता हूँ किचन में हमारे ड्रिल मशीन का। तो आप देख सकते हैं चारों सुराख कर लेते हैं पहले। तो चारों सुराख हो चुका है दोस्तों। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका, इसको लगाना है अब दोस्तों, ठीक है। तो ये अंदर के साइड से लगेगा, ठीक है दोस्तों। बालकनी के साइड से है तो बालकनी के साइड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बालकनी का पला है, मैं बताता हूँ आप लोगों को खोल के अभी। और ये अंदर से ही लगेगा एल्ड्रॉप, बाहर के साइड से नहीं लगेगा। और यहाँ पर हैंडल लगा दिए हम लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं ये बालकनी का साइड का पला दोस्तों, आप लोग एरिया देख सकते हैं बाहर, ये बालकनी का साइड से है। तो जो नट बोल्ट है दोस्तों, इसको पीछे से लगाना है, जो कि बालकनी के साइड से लगेगा, बाहर के साइड से लगेगा, ठीक है। तो इस साइड से पहले नट बोल्ट को लगा देना है, अंदर की तरफ निकाल देना है इसको, ठीक है। चारों नट बोल्ट को, चारों नट बोल्ट को चलिए बढ़िया से पहले इसको आराम से मार दीजिए, अंदर की तरफ निकाल दीजिए, ठीक है। तो चारों बोल्ट को कसने के बाद दोस्तों क्या करना है मैं बता दूँ आप लोगों को। तो जैसे ये चारों हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पहले को बंद करके अंदर साइड से एल ड्रॉप को रखना है इस पर, ठीक है। अंदर से एल ड्रॉप को फंसा लेना है इसमें, ठीक है, बढ़िया से। और उसके बाद इसमें चलिए पहले फंसा लेते हैं इसको एल ड्रॉप को नट में, ठीक है। एल ड्रॉप फंसाने के बाद इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, नट बोल्ट से इसको बढ़िया से टाइट कर देना है, ठीक है। और रेंच से जो भी हो आपके पास, रेंच से इसको बढ़िया से टाइट कर देना है। और दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को, जो कि पीछे से लगवाया हुआ इसका भी ये रीज़न है, क्योंकि बहुत से कारपेंटर भाई लगा देते हैं इसको आगे की तरफ से ही लगा देते हैं, जो कि बालकनी के साइड जो ये पेच कसने वाला होता है वो आगे की तरफ कर देते हैं बालकनी के साइड। तो ऐसे में तो कोई भी खोल के अंदर आ जाएगा, तो इसको बालकनी के साइड से करके अंदर की तरफ निकालना होता है नट बोल्ट को, ठीक है। तो इसको कस लेने के बाद, ठीक है, अब इसका जो जहाँ पे ताला लगता है अब उसको लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को, इस तरफ साइड में चिपका देना है, ठीक है, पताम की तरफ इसको हैंडल को कर देना है, पूरा निकाल देना है आगे। और उसके बाद हैंडल को इसमें रख के बीच सेंटर में जो कि ताला लगेगा उसको लगा रख लेना है, ठीक है। इसको रखने के बाद क्या करें दोस्तों, इसको निशान लगा ले, इसको बढ़िया से निशान लगा लेना है दोनों को, ठीक है। और दोनों को निशान लगाने के बाद इसमें सुराख करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सुराख कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों, चैनल पर मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को देखिए वीडियो बना के लगा होता हूँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए पहले इसको सुराख कर लिए हैं दोस्तों। तो अब सुराख करने के बाद इसका बारी है कि इधर से देख ली, देख सकते हैं आप लोग, इसको भी बैक साइड से ही लगेगा, ठीक है। बैक साइड से डालने के बाद अंदर की तरफ निकाल देना है इसको भी, ठीक है, अंदर साइड से निकाल देना है, ठीक है। अंदर साइड से निकालने के बाद इसका जो लॉक कर रखे थे उसको रख के, ठीक है, इसको भी बोल्ट से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी टाइट कर देते हैं। तो इसको टाइट कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आराम से इसको बढ़िया से टाइट कर दिए, कर देना है, ठीक है। नहीं तो अच्छा नहीं, सही से नहीं काम करेगा। तो चलिए इसको टाइट कर दिए हैं, तो चलिए इसको टाइट कर दिए, देख लेना है कि सही सिरा है कि नहीं, आपको सिरा है एकदम लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा जाएगा तो फिर लहंगे इसमें लग जाएगा, ठीक है, देख सकते आपको ये लग चुका है, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद उसको क्या करना है, ये जो साइड में होता है एल ड्रॉप का, जो कि अंदर साइड से चौखट पर लगेगा, ये सिरा करने वाला नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो ये चौखट के ऊपर से लगेगा। तो इसको यहाँ पर अंदर के तरफ लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद अंदर फंसाने के बाद इसमें भी दोनों सुराखों को निशान लगा लेना है, ठीक है, जो कि नट बोल्ट ठोकाएगा इसमें, ठीक है। 35 का पेच नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत सारे लोग बंदे होते हैं कारपेंटर भाई की 35 का ही पेच लगा देते हैं, तो 35 का पेच नहीं लगाना दोस्तों। इसको सुराख करना है ड्रिल मशीन से, ठीक है, दोनों को
आप पूरा सुराख करना ही नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। पेंच जो कि है, अगर 2 इंच का पेंच है तो 1.5 इंच तक ही सुराख करें, ठीक है, उसके बाद आधा इंच ठोक दीजिए, तो इसको सुराख कर देते हैं। पूरा सुराख नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, पूरा सुराख बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात है। पूरा सुराख कर दीजिएगा तो फिर नट इसमें काम नहीं करेगा जो कि अंदर जाएगा जो, ठीक है, तो हम सुराख कर दें इसको, ठीक है। तो चलिए इसको अब ठोक लेते हैं, तो अभी देख सकते हैं अब इसको आराम से ठोकना दोस्तों, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, देख सकते हैं आपको आराम से ठोका गया। और नीचे वाले भी चलिए ठोक लेते हैं इसमें, तो नीचे वाला भी चलिए ठोक के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं दोस्तों ये नीचे वाला भी हम लोग ठोक दिए हैं, ठीक है, तो ये भी पूरा ठोक दिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग पूरा लग चुका है। चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर दो दोस्तों। नमस्ते, धन्यवाद।